सियासत का भी अजब और गजब रंग होता है। छोटी छोटी दुर्घटनाओं पर सभी संबंधित पक्षों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले राजनेता, 122-123 लोग मर गए हाथरस में, इस इतने बड़े नृशंस नरसंहार पर भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहा कोई राजनीतिक दल, कोई नेता, कई चौंकने वाली बात नहीं। पूरे देश भर से किसी राजनेता को आपने सुना जिसने कहा हो, बड़े राजनेता को, कि इसको बाबा को उठा के गिरफ्तार क्यों नहीं किया, गिरफ्तार करो? नहीं। विपक्षी दल कह रहे भाई ये तो सरकार की विफलता है, लेकिन उनसे पूछो कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बोले सर ये तो जांच होनी चाहिए, जांच में देखा जाएगा, ये कोई साजिश थोड़ी ना है, हादसा है और हादसे हो जाते हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में तीन दल, कोई आपको ऐसा दिख रहा है जो बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा हो? नहीं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी से ये मांग विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है कि बाबा की गिरफ्तारी करो? ये बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक, कोई ये भी नहीं पूछ रहा? इससे पता लगता है कि बाबा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक प्रभाव कितना और कहां तक है। अन्यथा आप सोच सकते हो कोई भी व्यक्ति होता, कितना भी शक्तिशाली होता, जिसके कारण या जिसके आयोजन में 125 लोगों की मौत हो जाती, राजनीतिक दल कहते इसको चौराहे पर फांसी दो, गिरफ्तारी नहीं, कहते इसके खिलाफ गैंगस्टर लगाओ, राष्ट्रद्रोह लगाओ और एनएसए लगाओ। लेकिन यह पैमाना बाबा पर लागू नहीं हो रहा ना। सबके कंठ सूख गए, सबकी जीभ लटपटा रही है, बोल नहीं पा रहे कि बाबा को गिरफ्तार करो। ये बड़ा राजनीति को देखने समझने का एक आईना है ये घटना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अभी तक बाबा से कोई पूछताछ नहीं की। उसका तर्क यह है कि बाबा ने एप्लीकेशन थोड़ी दी थी परमिशन मांगने की, इसलिए बाबा से बात नहीं हुई अभी। अच्छा, मुख्य आरोपी जिसको पुलिस ने बनाया है मुख्य सेवादार, वो फरार है, उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम रख दिया, 6 चिंटू पिंटू पकड़ लिए गए, इस आयोजन से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, और लेकिन बाबा से पूछताछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर बाबा के दस्तखत नहीं। क्या यह सच नहीं कि यह हादसा इसलिए हुआ कि लोग बाबा की गाड़ी के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए भागे? और क्या यह सच नहीं कि बाबा ने अपने सत्संग के समापन में माइक से कहा कि जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग चरण रज लेकर जाएं, ये काम आएगी? क्या बाबा के इस आवाहन के कारण भगदड़ नहीं मची? उसी के कारण। क्या ये सच नहीं है कि बाबा अपनी गाड़ी से भगदड़ के बाद भागा? क्या ये सच नहीं है? ये अपराध नहीं है? आपके आयोजन में इतने बड़ा नरसंहार हो गया, आपको मालूम पड़ गया, आप देख रहे हो और आप अपनी गाड़ी से निकल जाए, फिर भी कहा जा रहा है कि बाबा ने एप्लीकेशन नहीं दी थी इसलिए बाबा से अभी कोई बातचीत नहीं है, बाकी देखेंगे आगे जांच चलेगी तो बाबा के बारे में चिंतन करेंगे, अभी नहीं। बाबा को बताया जा रहा है बाबा भूमिगत है, फरार है, लेकिन जानकार लोग कह रहे हैं बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, कहीं फरार नहीं, और वहां पूरी ठसक के साथ है, सेवा शुश्रूषा हो रही है, वहां खा पी रहे हैं मौज से, अपना आनंद से। आप सोचिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और बाबा की सेहत पर कोई फर्क ही नहीं, सारी जांच, सारी एजेंसियां, सारे राजनीतिक दल उनके निशाने पर, कौन आयोजक? पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, चिंटू, यही ना नाम। बाबा पर कोई शिकंजा कसने की हिमाकत नहीं कर रहा,
इससे पता लगता है कि बाबाओं का सियासी ताप कितना होता है। समाजवादी पार्टी ने भी आज कहा कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी कार्यक्रम सफल हो, भगदड़ ना मचे, बाबा से क्या मतलब भाई। और उन्होंने बहुत आदर के साथ स्मरण किया भोले बाबा का, भोले बाबा जी का बहुत प्रभाव है लोगों पर, लाखों लोग उनके भक्त हैं। बसपा मौन है, वो ये कह रही मुआवजा दो इनको, मुआवजा दो उनको, लेकिन ये इस पर चुप है कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए कि नहीं, ना इस पर मौन। ये कांग्रेस बाकी सारी बातों पर बोल रही है लेकिन बाबा को गिरफ्तार किया जाए ये नहीं बोली। अब राहुल गांधी जाएंगे तो देखेंगे वो इसी मांग ये बात कहते हैं कि नहीं कहते, वरना राहुल जी तो बड़े बड़ों की गिरफ्तारी की मांग करते रहते हैं, लेकिन इस पर अभी नहीं। यही पेच है, यही से आपको समझ में आएगा कि सियासत किस स्तर पर जाके खड़ी हो जाती है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए पहले, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। बुरे कर्म नहीं करता, बुराइयों की तरफ नहीं जाता, व्यसनों में नहीं डूबता। हाथरस में 2 जुलाई को हुए हलकान कर देने वाले हादसे में 121 लोगों की जान चली गई, लेकिन मौत के इस मातम का मुखर किरदार नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल अभी तक सामने नहीं आया। केवल 24 घंटे बाद एक बयान ही सामने आया है। इन सब के बीच हैरानी वाली बात तो यह है कि हर मुद्दे पर हंगामा करने वाले सियासी दलों की ओर से बाबा पर ना कोई कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं आया है, बल्कि सियासी दल तो एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विपक्ष भी बाबा की गिरफ्तारी के बजाय सरकार की जिम्मेदारी बताकर बचता दिखा। सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस, जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए जब घटना हो गई? आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। जो आज विपक्ष बोल रहा है उस घटना को लेकर, शायद समाजवादी पार्टी को वो दिन भूल गया जब वो 3/1/2023 को माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद अपनी आईडी से ट्वीट किया था कि नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया है और आज उंगली उठा रहे हैं। जिस बाबा के सत्संग में मौत का ये तांडव हुआ और 121 लोगों को जान गंवानी पड़ी, उस नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम एफआईआर में ही नहीं है। इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल यह है कि बाबा को किसका संरक्षण है? आखिर बाबा पर सियासी दल मौन क्यों हैं? अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पांसिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1,00,000 रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एमबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की। इस हादसे के बाद बाबा की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है। हादसे से पहले निकल जाने का दावा भी झूठा निकला है। वहीं भगदड़ का अहम कारण ही बाबा के चरणों की धूल के लिए मची धक्का मुक्की रही। वहीं हादसे के तमाम पहलुओं के खुलासे के बाद भी सियासी गलियारों में सन्नाटा है। हादसे पर एक्शन में आई योगी सरकार ने
एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। वहीं विपक्षी खेमे की खामोशी भी सवालों के साए में है। आखिर ऐसे खलनायक पर ये खामोशी क्यों? क्या इसके पीछे वोट बैंक है? क्योंकि जाटव समाज के इस बाबा की एससी एसटी में अच्छी पैंट है। यूपी के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित ओबीसी समुदाय में भी बाबा की गहरी पकड़ है। इधर यूपी में तो उपचुनाव की भी बिसात बिछने वाली है। देखिए, संत थे, अब संत के सामने 2 लाख लोग आ रहे हैं तो उनको मान ही रहे तो ये है, लेकिन जो भी घटना में चाहे उनकी वजह से घटना हुई, अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। क्या लगता है उनको भी एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, मेरी बात सुनिए, महाराज जी स्वयं आदेश देके गए और उसमें कमेटी बनी है और कमेटी में अगर उनका नाम आएगा तो 100% उनकी अरेस्टिंग होगी। बहरहाल ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने देश में कोई घटना हो और घनघोर सियासत ना हो? मुद्दा जाति मजहब से जुड़ा हो, सियासी मजमा लगने में भी देर नहीं लगती। लेकिन हलकान कर देने वाले हाथरस के हादसे के बाद राजनीतिक दलों का वो रूप रंग दिखाई नहीं दिया जो दूसरे मुद्दों पर दिखता है। ऐसे में सवाल यही है कि बाबा की गिरफ्तारी की मांग पर सियासी मौन क्यों? आखिर इस मौन के मायने क्या हैं? सियासी मौन क्यों और इस मौन के मायने क्या हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता इस मौन का अर्थ समझे कि ये ऑल पार्टी यूनिटी कैसे हो गई बाबा पे कि भाई बाबा की गिरफ्तारी की मांग नहीं करनी, ना सब लोग एकजुट हो जाओ। टेम्पू से ट्रैक्टर की टक्कर हो जाए तो उसमें तो गिरफ्तारी की मांग करके राजनीतिक दल सड़क पर आ जाते, या तो 123 निपट गए, मर गए, और राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नहीं बाबा तो संत है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें, एलन राय साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ। अच्छा, एक मिनट रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए, फिर तुरंत लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से परिचय करा दें, एलन राय साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, राय साहब का बहुत स्वागत है। एचएस रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु, रावत साहब का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी जी का स्वागत है। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का बहुत स्वागत है। राय साहब, आपसे बात शुरू करूँगा। बाबा ने कहा कि हम तो पहले, बाबा के वकील ने कहा कि बाबा तो पहले निकल गए थे भगदड़ से, काफ़ी सीसीटीवी बताता है कि नहीं बाबा जब निकले हैं तो भगदड़ मच चुकी थी, वो भगदड़ के बीच से निकले अपने ब्लैक कैट व्हाइट कैट के बीच से के समर्थन से, तो एक झूठ पकड़ा गया। दूसरा, बाबा ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जितने लोग आए हैं सारे भक्त जो हैं वो हमारी चरण रज लेके जाना, सारी व्याधियों से इसी से मुक्ति मिलेगी माथे पर लगा के। तो जब गुरु ने बोला तो चेले दौड़ पड़े, अब दौड़ पड़े तो 123 मर गए। इस पृष्ठभूमि में बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कानूनी निगाह से? कहा जा रहा है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं है, जब आगे होगा तो देखेंगे, क्योंकि बाबा ने एप्लीकेशन पर साइन नहीं किए थे। नहीं अमिताभ जी, वास्तव में ये दुखद घटना है और इसके लिए संवेदना हमारी सबकी है। आम पब्लिक, जो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग वहां पर इतने दुर्घटना के शिकार हुए हैं। जहां तक बात बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के तौर पे होता है। अगर किसी केस की तफ्तीश के दौरान कोई सबूत इकट्ठे होते हैं जिसके खिलाफ भी, उसी की गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है। और एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपके दर्शकों के लिए, FIR में नाम होना या नहीं होना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार कई FIR बेनाम की होती है, उसके बाद जो जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जो भी एविडेंस सामने आती है उस एविडेंस के आधार पर उसमें कार्रवाई होती है। ये जरूरी नहीं है कि FIR में किसी का नाम है, ऐसा भी होता है कि किसी का FIR में नाम हो और बाद में वो कट जाए,
क्योंकि उसकी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो एफआईआर में नाम होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन साथ में सबूत होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये सबूत की जहां तक बात है, और दूसरा आपने बताया कि उसके एप्लीकेशन पे हस्ताक्षर नहीं है, वो हस्ताक्षर उनका नहीं होता है, वो होंगे ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं का ये होना चाहिए कि जिम्मेवारी क्या है। लेकिन एक बात जो जरूरी है वो चरण रज की बात है, वो चरण रज जिसके लिए बाबा ने भी कहा कि मेरे लेके जाना अगर कहा है तो, और पब्लिक तो बाबा के जैसे भी मुरीद थी तभी तो इतने लोग इकट्ठा होके आए, या किसी के कहने से आए, कैसे भी आए वो जांच का विषय है, लेकिन जब पब्लिक को ये कहा कि चरणगज से इतने बड़े करिश्मे हो जाते हैं तो लोगों ने, और यही एक वजह रही है चरणगज के चक्कर में उनका। ठीक है राय साहब, अभी रुकना होगा, मैं रावत साहब के पास चलूं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, कानून की किताब भी बड़ी उलझी हुई है, हमने दुनिया देखी, किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन दुनिया पढ़ी है। अभी कोई सामान्य व्यक्ति को जलसा करता तो उसमें अतिथि से लेके आयोजक तक, समायोजक तक सारी जांच के बिना 50-50 लाठी के साथ सम्मान पूर्वक अब तक डासना में भेज दिए गए होते हेलीकॉप्टर बना के। अब वहां 123 मर गए और जिससे पूछो वो कह रहा जांच होगी, जांच में देखेंगे भाई, जांच में तो सब सबूत सब देखना पड़ेगा। अरे अंधा तपति आई जब कोरी भर पाए, 123 लोग भस्मीभूत हो गए। आपकी आवाज ही नहीं बदल रही हुजूर की, वही टोन, देखेंगे जांच है इन्वेस्टिगेशन है, गजब बात है भाई। हम तो देखते हैं कुछ आता है ये इंटरटेनमेंट करने वाले कलाकार आते हैं, वहां लाठी चार्ज हो जाएगा, भगदड़ मच जाए तो आयोजक से लेके कलाकार तक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी के लिए वारंट हो जाता है, तब जांच में नहीं बैठते, तब तो ये कोई नहीं कहता कि नहीं अभी 5-7 साल जांच करेंगे। दरोगा कहता है बवाल कराते हो, बोले दीवान जी मार इसके 20 लाठी, अंदर कर इसको। रावत साहब खैर ये तो कानून का मसला है, सियासत का भी मसला बड़ा विचित्र है। मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी टेम्पू से स्कूटर का टक्कर हो जाए तो अभिषेक वाजपेयी कहेंगे भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए भाजपा के जिला अध्यक्ष की, टक्कर कहीं और ही बोले भाजपा के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या बहन जी भी कहती कि तुरंत है, कांग्रेस अजय राय भी कहते, राहुल गांधी भी तब तक 5-7 ट्वीट तो ठोकी दिए होते। इस बाबा की गिरफ्तारी पर कोई नहीं बोल रहा, सबने मुंह में बताशा रख लिया, को बोलने को तैयार नहीं ना। अच्छा अकेले में भी पूछो तो कहते यार छोड़ो मरवाओगे हमको, क्या क्या मसला है क्यों? अमिताभ जी सारा मसला वोटों की राजनीति है जी, क्योंकि जो बोलेगा उसकी वोट बैंक कटेगी, क्योंकि ये सूरजपाल की वोट बैंक अच्छी थी। बाबा तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जिस प्रकार का चश्मा लगा रखा है, जिस प्रकार का गेटअप है, जिस प्रकार का सूट बूट घड़ी जूते पहन रखे हैं, वो किसी बाबा का काम नहीं होता है। बाबा में संस्कार होते हैं तभी उसको बाबा या स्वामी बोला जाता है कि वो संस्कारित होता है। जो व्यक्ति संस्कारित ही नहीं है, मॉडर्न तरीके से कोई अगर भाषण कर रहा है, स्पीच कर रहा है, तो एक नेता के तौर पर उसको बोला जा सकता है, कोई मोटिवेटर हो सकता है। इसलिए बाबा कहना स्वामी कहना है इसको मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की ये कहीं ना कहीं एक तोहिन है। दूसरी बात, जो इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है वही एक वोटों की राजनीति है सबसे बड़ी, कि जो बोलेगा उसका वोट बैंक कटेगा। क्योंकि बाबा का अगर करोड़ों आदमियों के अंदर घुसपैठ अगर है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक तो कटेगा, क्षेत्र का वोट बैंक कटेगा। जिस क्षेत्र का वहां का कोई एमपी है, एमएलए है, या जहां की कोई विधानसभा है या नगर पालिका है, उन सब पर उसका सीधा सीधा प्रभाव होने वाला है। मैं तो सरकार से निवेदन यही करूंगा कि जब इस प्रकार के कोई हादसे अगर अमिताभ जी हों तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी को सील करके और उसके बाद जितने लोगों के हादसे में मृतक हैं उनके परिवारों को बांट देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को अकल आएगी। अभी डीसीपी साहब कह रहे थे आयोजकों की गलती होती है, बिल्कुल नहीं, यहां पर गलती बड़े नेता की होती है। अगर कोई नेता भड़काऊ भाषण देता है, हजारों आदमी मारे जाते हैं तो नेता गिरफ्तार होता है। अगर कोई बाबा इस प्रकार का प्रवचन करता है कि मेरी रज को लेके जाओ, तो लोगों के अंदर इस प्रकार का कहीं ना कहीं उत्साह,
यही लोग होते हैं जो मेन नेता होता है। गांधी जी ने आंदोलन किए थे बहुत सारे, हमेशा उनको अरेस्ट किया। नेहरू जी ने किए थे, उनको अरेस्ट किया। या जो भी लीडिंग व्यक्ति होता है, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कोई मोटिवेटर हो, भीड़ को वही कंट्रोल करता है। इसलिए मैं कहता हूँ इनको अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है राजी, हमारे यहाँ भारत में चलन ये है कि अगर बड़ा आदमी इन्वॉल्व है क्या, तो उस केस में चिंटू पकड़े जाएंगे क्या? कानून की ऐसी व्याख्या की जाएगी कि नहीं, चिंटू ही पकड़े जाने योग्य हैं केवल क्या? और मान लीजिए बड़ा आदमी नहीं, छोटे आदमी है, तो कानून बिल्कुल दुर्धर्ष किस्म का प्रहार करेगा तुरंत, सटासट सटासट, दे दबा दब, दे दबा दब। अभिषेक वाजपेयी जी, मैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को सुन रहा था, उनने कहा कि कोई हादसा बादशाह नहीं है, सब हो नहीं, कोई साजिश बाजिश नहीं, हादसा है, होते रहते, वो तो संत है भोले बाबा, और उनके लाखों के अनुयायी हैं। बोले बाकी जांच हो रही, जांच होगी। बसपा को भी मैं सुन रहा हूँ, मायावती जी ने विश्वनाथ पाल को भेजा, बोले तुम भी जाओ घूम फिर के आओ, अस्पताल अस्पताल कुछ केला वगैरह सेब वगैरह दे के आओ, फोटो खिंचाओ। वो भी घूमे आए, बोले जांच होनी चाहिए, दी मुआवजा दो, नौकरी दो, 1 करोड़ इसको, 2 करोड़ इसको। उनसे पूछा बाबा गिरफ्तारी, अरे बोले चुप रहिए, पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी किसी भी मुद्दे पर 5-7 ट्वीट तो खड़का ही देते हैं तत्काल, वो भी चुप, ये कोई नहीं कह रहा। क्या माजरा क्या, ये इतना बड़ा आदमी है क्या बाबा कि सबका कंठ सूख गया? और या आप लोगों ने कोई सर्वदलीय गुप्त बैठक की पहले कि बोले भाई बाबा आप नहीं बोलना है, तुम्हें हमारी कसम, सब लोग गंगा जल उठाओ हाथ में कि बाबा आप नहीं बोलेंगे। अभिषेक जी धन्यवाद अमिताभ भाई, और जैसा कि मैंने सबकी बातों को सुना जी, तो उसमें एक बात अभी हमारे बड़े भाई ने कही कि वोटों की राजनीति। जब वोटों की राजनीति की बात करते हैं तो सिर्फ मुझे लगता है कि बातों को सुन करके समाजवादी पार्टी ही एक तरीके से जिम्मेदार है हर एक चीज के लिए। और आपको याद दिला दूं अमिताभ भाई, आपको याद होगा कि तथाकथित एक बाबा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो चुनाव के समय अचानक से जेल से प्रकट हो जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वो वापस जेल के अंदर चले जाते हैं। तो वो कौन निकलवाता है उनको, कौन नहीं जिम्मेदार है, वो तो उसके लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी आपने कहा कि जब इन चीजों के लिए, तो आपकी बातों से भी मुझे लगा कि सारी चीजों के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी आप इस तरीके से नहीं लेते हैं? जब इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जब उसने अनुमति ली तो कितने लोगों के लिए ली गई थी, क्या उसे अंदाजा नहीं था कि किसी भी, अगर कोई भी संत बना हुआ है या बन गया है या संत है तो उस कितनी भीड़ आएगी, कितने अनुयायी आएंगे उसके? तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे प्रमुख चीज देखिए कि जब घटना हुई, घटना के बाद जब अस्पतालों में ले जाया गया, ना ही वहां पे बेड मौजूद हो पाए, ना ही वहां पे ऑक्सीजन मौजूद हो पाई, ना ही दवाई मौजूद हो पाई है। तो इन चीजों के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इन चीजों के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस बात को कहा कि भाई शासन प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, वहां पे अस्पतालों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो चिल्लाते रहते हैं। तो लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब बात जहां पर इस चीज की कहती है, हमारे बड़े भाई ने बोला कि चरण की राज और बाकी चीजों के लिए, देखिए मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। कहीं पे भी किसी प्रकार के, देखिए आस्था है और हमारा देश जो है वो आस्था के ऊपर ही टिका हुआ है, हम सब के एक श्रद्धा भाव होता है, कोई व्यक्ति किसी को मानता है, कोई व्यक्ति किसी को मानता है, लेकिन ये आपका खुद का विवेक होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस बातों को सुन रहे हैं, किस बातों को अनुसरण करना है, ये आपका खुद का विवेक होता है। मैं आपको अमिताभ भाई छोटी सी एक घटना बताता हूँ। मैं उन्नाव में ही एक जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, वहां पे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की एक नेम प्लेट लगी हुई थी, जहाँ पे जब काम होता है तो वहां पे लगाया था कि इनके उससे सहयोग से बनाया गया है। तो वहां पे एक गांव की महिला ने उस पे तिलक कर दिया, तो उस गांव की महिला को देखते हुए सभी लोगों ने उस पे तिलक करना चालू कर दिया। ये बहुत वीडियो वायरल हुआ था उन्नाव की घटना का। तो सेम उसी तरीके से है, तो जो बाबा है या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति जो दोषी है उसके ऊपर पूर्णतया जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है जी। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी कल नहीं थे हमारे साथ,
मैं आनंद जी के पास आऊं से पहले दो तीन बातें साफ करना जरूरी है। कल मैंने इस पर एक घंटा चर्चा की और जितने विषय अभिषेक ने बताए उनसे भी दो चार कदम आगे जाके चर्चा कर ली। ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचे, कंपाउंडर कहाँ था, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ था, थानेदार कौन जिम्मेदार है, चौकीदार कौन जिम्मेदार है, कप्तान कहाँ है, आई सब विषयों पर चर्चा कर ली। शासन प्रशासन कोई विषय अछूता नहीं रहा वाजपेयी जी, ठीक, वो चैप्टर खत्म हुआ। आज उस विषय पर समय नहीं खराब करूंगा। आज मैं चर्चा करने आया कि जो आदमी भगदड़ अपने करवाई जिसने मेरी चरणों की रज लो, आपने 2 लाख लोगों के सामने माइक पर यह कहा, वो 2 लाख लोग कूद पड़े, तो मरना तो था ही, इतना ही अपराध काफी है गिरफ्तारी के लिए। आपके नाम पर भीड़ आई, भीड़ मर रही है और आप गाड़ी से निकल गए। आज इस विषय पर चर्चा करने आया हूं कि इस हादसे पर राजनेताओं का कंठ क्यों सूख गया। ऑक्सीजन, डॉक्टर, दरोगा, सिपाही, कोतवाल, सब पर चर्चा की कल मैंने 1 घंटे और सबके पेच कसे। तब समाजवादी पार्टी की बात नहीं की मैंने, कल जो समाजवादी पार्टी के मित्र थे वो बहुत प्रसन्न थे। लेकिन आज विषय दूसरा है, आज ही ऑल पार्टी एकता देख रहा हूं मैं सूरतपाल के लिए, जो बहुत बोल रहा हूं इतना बोल रहा कि भाई जो दोषी हो उसको कार्रवाई हो, नाम लेके नहीं को बोलने को तैयार। 123 लोग मर गए। आनंद दुबे जी, मेरा प्रश्न वहीं आकर खड़ा, बाकी तो आप व्यवस्थाएं क्या थी कैसी थी वो तो सब दिख ही रही है, मतलब शर्मनाक स्तर तक की चीजें थी। लेकिन जिस व्यक्ति ऐसा तो हो नहीं सकता, बाबा अचानक आया उसको पहले कुछ पता नहीं था, ये सारा बाबा का घरेलू उपक्रम है, ऐसा तो नहीं बाबा लंदन से आए थे प्रवचन देने तो उनको पता ही नहीं था ये गांव कौन सा है या कितनी भीड़ आती है, क्या बाबा का ही जालबट्टा है सारा। उनको भी सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए था, बाबा सारी फोर्स अपनी जो है बनाई वो अपने लिए लगाए रखता है, ब्लैक कैट और व्हाइट कैट। इतना बड़ा हादसा हो गया, ना तो पुलिस हिम्मत कर पा रही है, ना कोई विपक्षी दल बोल रहा है बाबा के लिए, कह रहे बाबा से अभी पूछताछ नहीं होगी, वो तो बाद में देखेंगे, बाबा मैनपुरी में आनंद ले रहा है, हैं? बताया जा रहा बाबा मिल नहीं रहे, बाबा मैनपुरी के आश्रम में, क्या उसका वकील है बाबा का, वो और भी एपी सिंह और विचित्र बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी जांच करना पड़ेगा, ऐसा ना कि सनातन का विरोध करने वाला घुस के ऐसा भगदड़ मचवा दिया हो, लो कर लो बात। दुबे जी, पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस व्यक्ति का नाम FIR में होना चाहिए, जितनी ग्रेविटी का की दुर्घटना है FIR तो बिल्कुल बच्चों वाली लगती है, नहीं फिर कहा जाता बाद में हो जाएगा अगर जांच की जरूरत पड़ी। जो चीज ऑब्वियस है उस पर सपा नहीं बोलना चाहती, मायावती नहीं बोलना चाहती, राहुल गांधी नहीं बोलना चाहते, और जो चीज उतनी ही ऑब्वियस आपके लिए भी है उस पर पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहती। इसका मतलब है वो एक विज्ञापन आता है, डर सबको लगता है, वही बात है क्या अमिताभ जी? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहां जाने के बाद अधिकारियों की बैठक ली तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा ये जो ब्लैक कैट पहने हुए घूम रहे थे ये कैसे पहन लिए, क्या नियम है एक नई वर्दी पहनने का इस तरह का, फिर और भी अन्य जो पहलू बाबा से जुड़े थे उन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से बात की और उनको निर्देश भी दिए। लबोलुबाब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह घटना जितनी गंभीर है, अगर एक व्यक्ति के रूप में मैं बात करूं तो निश्चित रूप से जो आपकी भावनाएं, जो देश की भावनाएं, वही मेरी भावना है। लेकिन जैसा कि अभी पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं LN राव साहब, उन्होंने जो बात कही और जितना थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूं कि सबसे पहले FIR में उन लोगों का नाम आया जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उनमें अभी फैलो गिरफ्तार हो गए, एक मुख्य आरोपी के खिलाफ जो है 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अभी आपने कहा कि जो CCTV फुटेज है, निश्चित ये सारी चीजें संज्ञान में आ रही, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें
बाबा की भी अगर संलिप्तता मिलेगी, सबूत उनके खिलाफ होंगे, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, वो भी नहीं बचेंगे। मैं आपको कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो, जिस जिस की संलिप्तता है। आपने जो बातें कही हैं उस तरह के साक्ष्य मिलते चले जाएंगे, अगर अगर मिले होंगे पुलिस के पास, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच जो है कई विषयों पे, कई कई स्तर पे चल रही है। SIT भी कर रही है, न्यायिक भी आयोग बना हुआ है, इसके अलावा उच्च स्तरीय स्तर पे भी जांच चल रही है। लोकल जो अधिकारी, उन्होंने तो जो जांच की है वो की ही है। लेकिन दो चीज बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो घटना है निश्चित रूप से मन को, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए, 123 लोग मारे गए इस घटना में। और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि वहां निश्चित रूप से चूक रही है, प्रशासनिक चूक भी रही है, और जो आयोजक है उनके पक्ष से तो रही ही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आयोजक हो, चाहे प्रायोजक हो, चाहे संरक्षक हो, अब आपको पता ही है संरक्षक कौन कौन लोग, कौन कौन लोग उनको अवतार बता रहे थे, और शायद इसीलिए कंठ सूख रहा है। लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बिल्कुल एक व्यक्ति के रूप में मैं इस बात को कहता हूं, जो आपकी मांग है, जो देश की मनोभाव है, वो बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो बात आनंद दुबे ने कही, भाजपा के प्रवक्ता ने, उस पर मुझे दो बातें समझ में आती। मैं ऐसा मानता हूं कि जांच की दशा और दिशा क्या होगी, इसका पहला प्रकटीकरण FIR करती है, जब वो शासन के द्वारा लिखाई जाए, ठीक ठीक है ना। मैं FIR देख के बता दूंगा इसमें किस दिशा में जांच जाएगी। हमने भी बहुत बराते की भैया, पुलिस में नहीं हुए तो इसका मतलब थोड़ी ना FIR नहीं समझते। एक उदाहरण देता हूं अकाट्य, उसके बाद ये थोती बहस बंद हो जाएगी, हो जानी चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को मैं अयोध्या था, रावत साहब की को पता है वो प्रसंग, ठीक वो थे वहां। HB शेषाद्री, राजमाता सिंधिया, अलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा, रज्जू भैया, ये सब लोग छत पर थे वहाँ एक मंदिर की। ये ना बेलचा लिए थे, भैया राव साहब आप भी सुन, राय साहब आप भी सुन लीजिएगा, हैं, आपको समझना ज़्यादा जरूरी। ना बेलचा लिए थे, ना बंदूक लिए थे, ना गोली चला रहे थे, ना ये कह रहे थे कि ढांचा तोड़ दो। HB शेषाद्री ने भारत की 7 भाषाओं में ये निवेदन किया कि ढांचे की ओर मत जाइए, 7 भाषाओं में, वो बहुभाषाविद थे, ठीक। लेकिन हनुमानगढ़ी थाने में हनुमान प्रसाद नाम के सिपाही से जो FIR लिखाई गई, मुझे नाम तक याद है आज तक, अभिषेक वाजपेयी, उसमें अडवाणी से लेके विनय कटियार तक सब नेम्ड हुए, क्या बाल ठाकरे भी नेम्ड हुए जो मुंबई में बैठे थे, क्या बहुत सिगार पी रहे थे, उनको भी सिपाही डाल दिया, क्या तब किसी ने नहीं कहा कि अरे भाई अग्निहोत्री जी रुको, जांच होगी, SIT बनेगी, कमेटी बनेगी, जांच होगी, कई हजार साल तक जांच चलेगी, फिर सबूत जुटाएंगे, फिर देखेंगे, नहीं कहा ना। वहां भी ऐसा हो सकता है तो गुड्डू पप्पू को नाम डाल के अज्ञात में डाल देते, क्योंकि वहां तो जो मंदिर में चढ़े थे मस्जिद पर ढांचे पर, वो कोई अज्ञात नहीं थे, सब अज्ञात थे। भैया राय साहब, मैंने भारत के अब तक के इतिहास का एक सबसे बड़ी घटना का उदाहरण दे दिया, क्या उसमें प्रशासन ने उन लोगों को नेम्ड किया और गिरफ्तार करके माता टीला भेजा, क्या गिरफ्तारी हुई, उनमें कोई गुंबद नहीं चढ़ा था, किसी ने नहीं कहा गुंबद तोड़ो, क्यों गिरफ्तारी हुई, फिर क्यों नेम्ड हुए FIR में। आप तो कह रहे हो कि अभी तो जांच होगी, इसे कैसे हो सकता है, नहीं
अग्निहोत्री जी, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, जब मैं पहली दफा आपने मौका दिया था तो मेरी बात को पूरा होने ही नहीं दिया आपने, अच्छा बीच में रोक दिया, मैं वहां आ रहा था उस बात के ऊपर। अच्छा जी, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। मैं कोई, मेरे को कोई वोट नहीं चाहिए किसी ना, मैं कोई किसी का, मैं बाबा का वो हूँ ना मैं किसी का। और जो इतने बाबा है ना, जो आपका बाबा का, इनका जो आपने बताया है पुराना इतिहास, कहां से कहां बन गए, सिपाही से बन के इतने बड़े पैसे वाले बन गए, ये कोई ऐसे ही नहीं बने हैं, ये कहीं ना कहीं इनका साठगांठ तो है ही, पॉलिटिकल पैटर्नाइज गई है या उसमें कुछ भी गई है। लेकिन इस केस को मैं बिल्कुल सिंसियरली ये कह रहा हूं, इसको पॉलिटिसाइज ना करके मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन हो, और हो सकता है, ये जरूरी नहीं है जैसे दुबे जी कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद बाबा का नंबर आए, मैं बाबा को बचा नहीं रहा हूं किसी भी तरीके से, और कभी भी ये नहीं है कि, और इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा तो वो, ये बात आपकी सही है कि एफआईआर में नाम नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एफआईआर में नाम नहीं है तो अरेस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, जो ही सबूत आएंगे, और जल्दबाजी अभी दो दिन तो हुए ही है, जो ही इनके खिलाफ सबूत आए तो ये डेफिनेटली, और ये मन से भी डरे हुए, इनका कंडक्ट भी बता रहा है, इन्होंने वकील भी हायर कर लिए हैं और वकील ने फिर भाषाएं बोलने लग गई है, तो इनका कंडक्ट भी ये है कि इनको मालूम है कि तुम्हारे ऊपर आंच आने वाली है, इसमें ये नहीं है कि कोई इसको बचा सकता है, कोई बचने के चांसेस नहीं है इनके, तो इसलिए मैं ठीक बात रहे साहब जी, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करें, जी बिल्कुल ठीक जी, में देर में जी ठीक। रावत साहब फिर बात वही आ गई, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो, हिंदी में जांच का इंतजार करो, ठीक। अयोध्या में जब ढांचा गिरा तब इन्वेस्टिगेशन की किताब गुम हो गई थी क्या भारत से? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शब्द याद नहीं था तब? तब तो अडवाणी से लेके अशोक सिंघल से लेके और विनय कटियार तक सब नेम्ड हुए और जेल भेजे गए, माता टीला डिटेन करके मुकदमा चला उन पर। तब ये क्यों नहीं कहे कि जो अभी राय साहब करेंगे, अभी तो ताजे ताजा 123 मरे हैं, दो दिन हुए हैं, तब ये नहीं कहा गया कि अभी ताजा ताजा ढांचा टूटा है यार, 10-5 साल गुजरने दो। रावत साहब नहीं जी, बिल्कुल अमिताभ जी, जैसे आप उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण है, उसकी स्थिति में बताता हूँ कि जितनी भी रेलें वापस आ रही थी भर के, उन सबको अरेस्ट किया, वो चाहे वहां पर वो दर्शन करने गया था और चाहे वो बेचारा उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, सब अरेस्ट हुए, 15-20 दिन महीने जेल में डाले गए, वापस निकाले गए। यहाँ नीति दूसरी अपनाई जा रही है, क्यों, कोई भी नेता यहाँ बोलने के लिए इसलिए तैयार नहीं है, मैं बखूबी इसको बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो बोलेगा उसका वोट बैंक कटेगा, ये तो सच है, क्योंकि कोई भी बोले, समाजवादी पार्टी बोले, चाहे सपा बसपा बोले और चाहे भारतीय जनता पार्टी बोले, कोई भी बोलेगा तो निश्चित तौर पर वोट बैंक पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि बाबा का जो इशारा है वो धीरे धीरे जेल से भी चल सकता है कहीं ना कहीं, कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा बोला है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट इन्हीं की है, क्योंकि कोई भी अपना रुतबा पॉलिटिकल दिखाने के लिए, कोई भी बाबा हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठी करते ही हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा नेता उनको कहीं ना कहीं अपना सेल्टर देगा, तो उनको ब्लैक कैट कमांडो मिलेगा, जेट सिक्योरिटी मिलेगी या वाई सिक्योरिटी मिलेगी, और पायलट गाड़ी मिलेगी, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, कूं 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 करती हुई जाएगी तो और रुतबा बढ़ेगा। तो ये अपना रुतबा बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ मिले होते हैं और मिलकर के ही इस प्रकार के बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, और फिर उनको, उनके ब्रेन को वास किया जाता है कि भैया आप ठीक है समाजवादी पार्टी को दे दो, या आप बहुजन समाज पार्टी को दे दो, या कांग्रेस को दे दो, दूसरी एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी को दे दो। तो ये कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति होती है, ना होती तो इतने जघन्य जो कांड हुआ है उसमें अब तक सारी पार्टियों को बोल देना चाहिए कि जहां भी मिले इनको पहले अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट करने के बाद ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजर कौन था और ऑर्गेनाइजर को उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उनको इन्होंने ही बोला होगा कि इतने आदमी आने वाले हैं और इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि मेन जो हेड होता है उसकी प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजर उसके आगे चलते हैं सारे के सारे, इसलिए आप जी इनको बचाया नहीं जा सकता। अभिषेक वाजपेयी जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कह दूं, अयोध्या में जब गिरफ्तारियां हुई इन सब लोगों की, तो एक ही तर्क दिया गया कि इन्हीं सब के बुलावे पे सब लोग आए थे जिनने तोड़ा, तो जिनने तोड़ा उनको छोड़ा, इनको पहले अंदर करो, खोपचे मिलो वाजपेयी जी हैं,
और 10:30 11:15 वहां कार्यक्रम शुरू हुआ तोड़ने का, ठीक। और 11:00 विपक्ष ने सबका लिस्ट जारी कर दी कि इनकी सबकी गिरफ्तारी करो, रज्जू भैया से लेके जोशी और विनय कटियार तक। क्या तब नहीं कहा कि अभी तो टूटने दो, महीना दो महीना गुजरने दो, जांच पांच हो तब बोलेंगे? नहीं, अब जिससे हम बात कर रहे हैं वो कह रहा चौधरी जी जांच होने दीजिए, अब तो न्याय अपना काम करेगा, देखेंगे। नहीं, मैंने अकाट्य उदाहरण रख दिया सामने, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जो जेल भेजे गए बड़े नेता, उनमें से कोई गुंबद पर नहीं चढ़ा, कोई चढ़ भी नहीं सकता था, गुंबद चढ़ता तो हाथ पे टूट जाते। क्या शेषाद्री जी को गुंबद चढ़ सकते थे कि रज्जू भैया, ये अडवाणी जी? अशोक सिंगल का तो कुर्ता फट गया था, लोगों को रोकने में लोगों ने कहा नहीं कुर्ता फाड़ दो। वाजपेयी जी तब इसी शासन की कानून की किताब में यह चैप्टर निकल आया कि नहीं इनकी गिरफ्तारी तुरंत करनी पड़ेगी। अब कहा जा रहा है नहीं गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी, FIR है, देखेंगे बाद में क्या बात बनती है, अभी कैसे गिरफ्तारी हो जाए बाबा की। वाजपेयी जी मैं तो सिर्फ यही हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और बाकायदा अगर आपको लगता है या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अगर प्रथम साक्ष्य में अगर बाबा जी दोषी सिद्ध हो रहे हैं तो बिल्कुल उनको गिरफ्तार करना चाहिए, मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन इसका इसको पूर्णतया बताएगा कौन? वहां का प्रशासन बताएगा, ये तो जांच करने का विषय है क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा। और अगर शासन प्रशासन को ये लग रहा है कि प्रथम दृष्टि में वो दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी नजरों में देखिए, चाहे मेरे घर का सदस्य हो चाहे ना हो, लेकिन पूरा भारत मेरा सदस्य है, मेरे घर का है चाहे मेरे परिवार का है। कोई एक मृत्यु भी होती है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, मैं खुद भी आनंद भाई के साथ में हूँ और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। मैं पूर्णतया आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर प्रथम साक्ष्य में भी कोई दोषी सिद्ध हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 123 लोग सिर्फ नहीं है, 123 परिवार हैं। यहाँ पे वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे मेरे घर में अगर मैं अकेला हूं तो मैं अकेला नहीं खत्म हो जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार समाप्त होगा। इस चीज को हमें गौर करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बैठ करके हम सिर्फ वोटों की राजनीति करें यह संभव नहीं है, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक एक परिवार का सदस्य। बिल्कुल ठीक बात है अभिषेक भाई, जिम्मेदारी हम सभी राजनीतिक दलों को, उस पीड़ा को हमको सियासत से अलग हटके अनुभव करना चाहिए। आनंद जी के पास चलूं, लेकिन फिर एक बात कहूंगा, मऊ में दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ को वहां से लौटते समय जब गिरफ्तार किया गया तो योगी आदित्यनाथ ने तो कहीं दुकान फूंकी नहीं थी क्या, न तलवार लिए थे हाथ में मारने के लिए क्या? गिरफ्तार करके गोरखपुर लाए गए और 11 दिन जेल में रखे गए, तब नहीं कहा गया जांच होगी, देखेंगे, किताब आएगी, कानून आएंगे, वकील साहब आएंगे, सब उसके बाद कुछ होगा। अयोध्या में भी नहीं कहा गया। ऐसे में 1000 उदाहरण गिना दूं, 1000। आनंद जी आज ही कहा जा रहा है बबुआ को बचाने के चक्कर में गोल गोल जलेबी बनाई जा रही है कि जांच होगी, जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो जो भी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, वो एक ही बात हर कितना भी बड़ा सवाल पूछो वो कहते थे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अरे ये तो हमको मालूम ही है, इसमें आप क्या बता रहे हो? मैंने उदाहरण ऐसे रख दिए, अयोध्या में 5 मिनट में ये सारे लोग नेम्ड हो गए, जिन जो गुंबद से करीब मेरे ख्याल से 0.5 किलोमीटर दूर थे। दुबे जी लेकिन इस बाबा को ले सब कह रहे कि नहीं बाबा की भूमिका नहीं, वो तो आज मैं पुलिस को सुन रहा था, वो कह रहे थे आयोजकों का मामला है ना, वहां के आडवाणी आयोजक थे कि शेषाद्री आयोजक थे कि राजमाता आयोजक थी कि रामविलास वेदांती थे, ये लोग तो फावड़ा लिए नहीं थे। दुबे जी नहीं अमिताभ जी बिल्कुल पुलिस ने क्यों कहा पुलिस, ये तो पुलिस बेहतर बता सकती है कि उन्होंने क्यों, मैं पुलिस की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, कोई भी दोषी नहीं बचना चाहिए, वो चाहे बाबा हो चाहे कोई,
मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, क्योंकि 123 लोगों की मृत्यु सामान्य घटना नहीं। अब क्यों नाम नहीं दर्ज हुआ, क्या वजह है, ये तो पुलिस बता पाएगी। उनके कौन से जो साक्ष्य हैं जो उनको अभी तक चाहिए या उनको अभी नहीं मिले हैं या और किसका नाम वो डालेंगे इसमें, ये पुलिस बता सकती। लेकिन जो आपने उदाहरण दिए हैं, मैं आपके उदाहरण से भी सहमत, लेकिन मैं फिर इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बाबा भी अगर अपने रसूख का इस्तेमाल करके चाहेंगे कि बच जाए तो उनके खिलाफ सबूत मिलने पर वो छोड़े नहीं जाएंगे। ये बहुत स्पष्ट जी, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं जी। और फिर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में पर्सनली मैं यह मानता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही जी। ठीक बात है जी। राय साहब एक बात समझना चाहता हूं, दो तरह के आचरण हैं सिस्टम के। एक, कुछ मामलों में आदमी को सीधे गिरफ्तार करो, 50 लाठी मार के उसको जेल भेज दो, फिर मुकदमा में साक्ष्य रखेंगे, देखेंगे, नहीं साक्ष्य मिलेगा तो आदमी छूट जाएगा, लेकिन उसकी रेल पहले बनाओ। और कुछ भाग्यशाली केस ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता नहीं, इसकी रेल नहीं बनेगी, जहां चाहे वहां छुट्टा घूमेगा है, जब साल दो साल पांच साल दस साल बीस साल पच्चीस साल में साक्ष्य मिल जाएंगे तो इसके घर जाएंगे, फिर मोटरसाइकिल लेके कहेंगे भैया कुंडी खोलो। नहीं तो ऐसे लोग ज्यादा भाग्यशाली होते हैं ना जी। बिल्कुल आपने सही रंग पकड़ी है, और मैं समझता हूँ आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ में और इन्वेस्टिगेशन के साथ में, तभी आप ये बातें बता भी रहे हैं जी। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बिल्कुल आपसे इसके बात से सटीक एग्जांपल है। अभी जो कोई एमपी साहब थे जो जो कि लड़कियों के मामले में थे, पहलवानों के मामले में थे ना, वो वाला ये मामला उस पर सटीक उतरता है। अगर कोई आम आदमी होता तो पहले वही बंद करते उसको कि जाओ पहले जेल जाओ, बाद में तफ्तीश होगी। अरे भैया राय साहब, लड़की के मामले में तो सुनवाई नहीं, पहले 50 लाठी और तुरंत जेल। यस यस, लेकिन ये दोहरी परंपरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सीरियस मामले होते हैं ना, जो इसमें बहुत कुछ वो होता है या पॉलिटिकली उसको मोटिवेटेड मामला समझते हैं, उसमें थोड़ा पुलिस फूक फूक पर पैर रखती है। और इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, सूत्रों से मालूम हुआ इसी दौरान मुझे कि इसमें जल्द ही गिरफ्तारी, ऐसे एफआईआर में नाम नहीं है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबूत आ रहे हैं, सबूत आते ही इसमें गिरफ्तारी निश्चित ही रहनी है, मेरी जहां तक समझ आ रही है, जहां तक मेरी खबर है। आगे देखते हैं क्या होता है, पुलिस मरती है, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन का प्रोरोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे होता है, लेकिन वो भी एक कुछ न कुछ अपने मापदंडों के हिसाब से ही चलता है। ये नहीं है कि ठीक है राय साहब, ठीक है ठीक है ठीक, मापदंड हमने बहुत देखे, नाना प्रकार के दंड हमने देखे, नाना प्रकार के माप देखे। अभी कोई चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, एक एप्लीकेशन पीआईएल दायर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसको कैसे आपने छोड़ दिया, तो 5 मिनट में यही पुलिस ब्रीफिंग करने आ जाएगी कि सबसे बड़ा बवाली बाबा है, हमने बाबा को तुरंत मुर्गा बना दिया का? और उसके घर पर रेड डाल दी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है राज साहब, हम हर घाट घूमे हुए हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए ठीक है। रावत साहब जी, कल समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा हमारे शो में कि अग्निहोत्री जी आज एक दिल की बात कहना चाहता हूं, अभिषेक आप भी सुन लो। हमने कहा बताओ भाई जी। बोले सच्ची बात यह है भाई साहब, जिसके पास भीड़ है उसका हम राजनीतिक पार्टियां कभी विरोध नहीं कर सकते। क्या बोले, सौ की सीधी बात, कोई नहीं बोलेगा, हम बोले दे रहे। अगर आपको बवाल करना है तो पहले भीड़ अपने पास जुटा लीजिए, उसके बाद मौजा ही मौजा, चाहे जहां कबड्डी खेलिए। नहीं, कंप्यूटर के ग्राफिक इफेक्ट से उंगली पर पीला चक्र दिखा दीजिए लोगों को, फिर भी कोई नहीं टोकेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सारा कुछ टिप्स के ऊपर मैं मानता हूं, मैं आपको बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं। देखिए बात भीड़ तक भी मैं नहीं समझ पा रहा, भीड़ तो आसाराम बापू से ज्यादा शायद किसी के पास नहीं थी, इसमें तो कोई दोराय नहीं। आसाराम बापू जी के पास में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी और अभी भी उनके पास है।
लेकिन वहां कुछ नहीं हो पा रहा और वहां तो 123 आदमी भी नहीं मरे हैं। यहां मामला दो प्रकार का फंसा हुआ है, एक तो भीड़ तो इनके पास है ही, एक तो कोई भी मुस्लिम मौलवी हो और फिर जाटव जाति से हैं वो, यानी अनुसूचित जाति जनजाति उनके साथ जुड़ी हुई है और SC ST भी जुड़े हुए हैं उनके साथ में। इस मामले में ये है मधुमक्खी का छत्ता, अगर यहां हाथ डाल दिया तो बहुत सारे ऐसे नेता भड़काऊ बैठे हुए हैं कि जो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे और ये हल्ला मचा देंगे, पूरे UNO तक हल्ला जाएगा कि यहां तो भैया मुसलमानों का शोषण हो रहा है, यहां तो जो हिंदू लोग हैं ये हिंसक हो चुके हैं और देखिए यहां का पुलिस प्रशासन भी किस प्रकार से एक दलित को, एक बाबा दलित जो कहीं ना कहीं समाज सुधार का रूप लेकर के बैठा था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसलिए सारी पार्टियां इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से डरेंगी। बात भीड़ की भी नहीं है, बात वोट की भी कम है, लेकिन वोट की बात करूं तो 1/3 पॉपुलेशन हिंदुस्तान की आसाराम बापू जी के पास में थी, लेकिन आज उनकी जमानत नहीं हो रही अंदर। ठीक है रावत साहब, इसमें एक छोटे सा तथ्य मैं रखूंगा, आसाराम को भी किसी राजनीतिक पार्टियों ने गिरफ्तार नहीं किया, वो कोर्ट ने बचने का रास्ता नहीं छोड़ा और जमानत भी अगर नेताओं के हाथ में होती तो आसाराम की अब तक 1,00,000 बार हो गई होती और ये फल की टोकरी के साथ आसाराम को छोड़ आए होते आश्रम तक नेता, कहते गुरुजी माफ करना, वो तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। बापू ने एक बार कहा कि भाई हमारी तो जो हम पर आरोप लगा है हम उस सारी अवस्था उस आरोप के विरुद्ध है, उन्होंने कहा एम्स में जांच करो, एम्स की जांच की रिपोर्ट में आ गया कि नहीं इनकी वो अवस्था बिल्कुल चकाचक है। क्या नेताओं ने बापू के साथ नहीं किया? अभिषेक जी, जिसके पास भीड़ नेता उसके लिए हमेशा जेब में कपूर और थाली रखता है, तुरंत आरती शुरू, बोले तुम जान जो करो हमें मतलब नहीं, भीड़ है बोले ठीक है। अमिताभ जी, हम तो हर एक व्यक्ति के लिए कपूर लौंग और सारी चीजें लेकर के चलते हैं, जनता हमारे लिए समान है और जनता का हर एक आदेश सर आंखों पर हम रख करके चलते हैं, उसी पैमाने पर हम देखते भी हैं। अब बात रह गई जब कपूर की, तो हम तो कपूर से बाकायदा नजर भी उतारते हैं और कपूर से पूजा भी करते हैं और कपूर से दोषों का इलाज भी करते हैं, ये तो बड़ी साधारण सी चीज है। और रह गई बात नेता की, तो देखिए नेता हैं हम लोग, तो जनता जनार्दन के हर दुख में हम लोग बढ़ करके साथ देते हैं, सुखों की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से लोगों के साथ खड़ी रही है, जनता जनार्दन के साथ हमेशा खड़ी रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जननायक हैं जो जनता के दुखों में हमेशा साथ रहते हैं, सुखों की मैंने पहले भी कहा कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन वापस से आपको कह रहा हूं कि दिलों में आग आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं, वो है समाजवादी पार्टी। आज भी 123 जो लोग गौलोक वासी हो गए हैं हम उनके साथ है, उनके परिवारों के साथ है, जो भी दोषी होगा उसको एक सिरे से बाकायदा कोई भी पार्टी संरक्षण नहीं देना चाहिए, मैं आपके मंच से कह रहा हूँ जी। ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, समय समय पर देखेंगे क्या स्थिति थी। आनंद जी, एक मन में विचार आया, वो लीगली कैसे फिजिबल होगा नहीं होगा ये सरकार जाने, ऐसे जितने भी बवाली स्वघोषित गवर्नमेंट हैं इनके यहाँ कोई बवाल मचे, ऐसा कानून है तो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं है तो मैं योगी जी से कहूँगा बनाइए। जैसे दंगे में आपने कहा कि दंगा फसाद करोगे, संपत्ति का नुकसान करोगे तो आपके घर से पैसा लेंगे और भर, इन 123 परिवारों के भरण पोषण का मुआवजा, घायलों के इलाज की बात, ये बाबा की संपत्ति बेचकर इसका चश्मा घड़ी अंगूठी जो दुनिया का ड्रामा है, गाड़ियों की का फ्लीट और ये जो मेरे ख्याल से 6-7 बड़े बड़े 40-40 बीघा वाले आश्रम तो मेरी निगाह में, हमारे शहर फरुखाबाद में भी आश्रम बाबा का, नोएडा में भी है, इनकी सब प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को क्यों नहीं दे दी जाए, क्योंकि जो मरे हैं वो भी विपन्न हैं, जो घायल हैं वो भी विपन्न हैं और बाबा मलाई चाप खा रहे हैं, इसके लिए तो सबूत अबूत
मान लीजिए अब ऐसा ना कह दीजिएगा नहीं इसकी अभी जांच का विषय है, 2048 तक जांच होगी तो हम देखेंगे। जी अमिताभ जी, आपको पता है मैं प्रवक्ता थोड़ा अलग किस्म का हूँ, मैं बाकी उत्तर घुमा जिलेबी वाली बात करूंगा, जो चीज मुझे ठीक लगेगी वो मैं ठीक कहूंगा, जो नहीं लगेगी वो नहीं कहूंगा। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे काम हुए हैं जो शायद ईश्वर भी हमारे लिए ही छोड़ रखा था उन्होंने, भाई चाहे गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ना और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के मकान बना देना भी हमारी सरकार ने किया, किसी और सरकार ने तो कभी नहीं किया, पूरे भारत में नहीं किया। इसके बाद दंगाइयों से दंगे की रकम वसूलना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया है वो भी उन्होंने किया, हमारी सरकार ने किया। और कह के कि गुंडे माफियाओं का बैंड बजा देंगे, तो बैंड भी बजाइए उत्तर प्रदेश में, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून भी बनाया है, लव जिहाद के खिलाफ भी कानून बनाया है, और अभी पर्चा लीक और नकल को लेकर भी बहुत सख्त कानून हमने बनाया है। तो भरोसा रखिए योगी आदित्यनाथ जी पर, हो सकता है कुछ इसी तरह की बड़ी कार्रवाई आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाए जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर से आपको बताना चाहिए था कि आज देश के सभी भ्रष्टाचारियों के साथ आप खड़े हुए हैं, तो उसके बाद आप नहीं बता पाएंगे। ठीक ठीक भाई, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, आज समय कम है। सदा जय हो बोलिए आप, ठीक है, दोनों दोनों, अरे ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है आज। अतीक और मुख्तार की अवैध जमीनों पर जो इमारतें बनी थी उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्तीभूत करा के वहां गरीब लोगों के लिए मकान बना दिए। जब अतीक की जमीन पर मकान बने थे और उसका वो लोकार्पण था, गरीबों को मकान की चाबी मिल रही थी, तो भी मैंने एक शो किया था और मैंने इस बात की प्रशंसा की थी। मैं कहता हूं ऐसा ही काम इस बाबा के साथ भी क्यों ना हो जाए, इनके जो आश्रम है वहां भी बड़ी भारी भारी जमीन है, 30 बीघा 40 बीघा इस टाइप का मामला है। नहीं, गरीब को बना दो, उसमें LIG दे दो। बाबा तो वैसे ही कहते हम तो गरीब के लिए काम कर रहे हैं, तो बाबा को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा और इनकी संपत्तियां, चल अचल संपत्तियां सरकार जब्त करे और जब्त करके मुआवजा बांट दे, इलाज में लगाए गरीबों के जो लोग घायल हुए। इस ये काम तो होना चाहिए ताकि भविष्य में अगर रावत जी कोई सभा करें या अमिताभ अग्निहोत्री कोई सभा करें तो इस सोच के करें कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता अगर बवाल हुआ। नहीं, इस नजीर सेट करनी होगी। मसला ये नहीं किस जाति का बाबा है, हमारा बाबा तुम्हारा बाबा ये होगा क्या, इस जात का बाबा उस जात का बाबा होगा? नहीं, अपराध हुआ है दंडित होना चाहिए, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए। इसीलिए मैंने अयोध्या का उदाहरण दे दिया ताकि छोटे मोटे उदाहरण में तो बहस खराब होती है, एक हिमालयन उदाहरण रख दिया, तब कानून की किताब दूसरी थी, अब दूसरी आ गई क्या? और ऐसे में 100 उदाहरण गिना दूंगा। और फिर राय साहब ने भी ठीक कहा, ब्रजभूषण का मसला था, सिक्के का दूसरा पहलू दिख रहा था, ननकू और रज्जाक का मसला होता, भूस भर दिया होता दरोगा ने उसको मार मार के, तिहाड़ में सड़ जाता, अंडर ट्रायल में ही मर जाता। नहीं, और एक बात बहुत अदब के साथ कहूंगा, सारे लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि जांच के बाद ही कुछ होगा। अभिषेक बाबू, भारत की जेलों में लाखों लाख अंडर ट्रायल भरे हुए हैं, क्या उनके केस में जांच हो गई तब इसलिए जेल आए वो ना, दोषी पाए गए थे जांच में? नहीं ना, उनको तो पता ही नहीं कि कब छूटेंगे, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, मुकदमा चल नहीं रहा, जेल में सड़ रहे हैं, तब ये किताब कहां जाती है? बड़े लोगों के लिए नियम बदल गया क्या? कंठ सूख गया, सबका कंठ सूख गया, विपक्ष का? मैंने कहा आप भाई सड़क पर
जानवर कोई उत्पात कर दे उस पर भी आप गिरफ्तारी की मांग कर देते हो कि जिलाधिकारी को गिरफ्तार करो, विधायक को गिरफ्तार करो, फलाने को गिरफ्तार करो। या इतना बड़ा कांड हो गया तब भी नहीं, इससे संदेश गलत जाता है। ये कैसे मान लें कि इतना बड़ा आयोजन होना था, बाबा को कुछ पता नहीं था? नहीं, सब बाबा का किया धरा प्रपंच है। बाबा पहली ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, छह मुकदमे हैं इन पर, जिसमें लड़की छेड़ने का भी मामला है। ये कोई हिमालय से थोड़े नहीं चल के आ रहे थे कि सीधे हिमालय चले और हाथरस में लैंड किए। इनके कार्यक्रम जग जाहिर हैं और एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी आगरा इस इलाके के तो सब लोग इनको जानते हैं। पूरब वाले ना भी उतना जानते हो, पश्चिम वाले सब जानते हैं सूरजपाल को। फिर ये बच बच के चलना ये ठीक नहीं। न्याय होना चाहिए और राय साहब न्याय होता दिखना, राव साहब न्याय होता दिखना भी चाहिए, ठीक है ना? जनता को लगना चाहिए कि हाँ न्याय हो रहा है। जनता के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रभावशाली है, धनी है, इसके पीछे भीड़ है, इसलिए इसके साथ दूसरा बर्ताव, ये भाव नहीं जाना चाहिए। मुझे कहा आनंद जी ने कि हो सकता है जो आप चाह रहे हो, देश चाह रहा वही हो जाए, वही होना चाहिए। कानून की आंख के समक्ष सब बराबर होना चाहिए। 123 विपन्न लोग मारे गए हैं, हम उनके कर्जदार हैं, हम उनकी आत्माओं को अगर न्याय नहीं दिला पाए, अभिषेक बाबू चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें जय पराजय चलती रहेगी, लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए कि फिर हर उद्दंड सिपाही बाबा बनने की कोशिश करे। क्या गुरु बाबा बन जाओ, कप्तान भी पैर छू रहा है। पहले हम सिपाही थे, कप्तान का कुत्ता खिला रहे थे, अब कप्तान भी मेरे पैर छू रहा है और मंत्री भी छू रहा, और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सब लोग आ रहे हैं, नमस्ते हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये भ्रम तोड़ा जाना चाहिए। संत और काल नेम में अंतर होना चाहिए। संत संत है, मैंने कल कहा था संत हृदय नवनीत समाना। आनंद जी, जिस व्यक्ति की आत्मा नहीं रोई इतने बड़े हाहाकार के बाद, वो मैनपुरी में जाके एयर कंडीशन में जाके सो गया, वो व्यक्ति संत नहीं हो सकता। बड़े बड़े अपराधी ही इतने निष्ठुर हो सकते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स। सामान्य व्यक्ति तो पागल हो जाएगा इतनी मृत्यु देखकर। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? बड़ा हादसा है देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं केवल देश के लिए। 123 लोग मर गए। इस मसले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के लिए आने वाले समय में नजीर हो जाए। जितने भी प्रपंची किस्म के लोग हैं जो बहुरूपीय की तरह एक्ट करते हैं समाज में, कर्म कुछ है, चोला कुछ है, और धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को की भावनाओं का दोहन करते हैं और फिर उसको मौत के मुंह में ढकेल कर खुद फरार हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर निर्णायक अंकुश लगना ही चाहिए। धन्यवाद।